नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान रीट नई भर्ती 2024 को लेकर आप सबके लिए समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, रीट 2024 को लेकर इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, रीट 2024 का नोटिफिकेशन, पात्रता एग्जाम कब से आपका दोस्तों कंडक्ट होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों रीट में दो पेपर होते हैं। एक तो आपका पात्रता एग्जाम जो आपका अजमेर बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, दूसरा दोस्तों आपकी मुख्य परीक्षा जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। तो दोस्तों, जब तक आपका पात्रता एग्जाम होनी होगा तब तक मुख्य परीक्षा का आयोजन भी नहीं होगा। हालांकि 34,000 पदों पर नई रीट को लेकर दोस्तों अपडेट आ रही है, इसको लेकर नया जो बजट आने वाला है फरवरी में दोस्तों, उसमें घोषणा भी की जाएगी। और NCT की गाइडलाइन के अनुसार हर साल रीट के पेपर का आयोजन करवाना जरूरी है, जबकि दोस्तों अभी तक पिछले 2023 में कोई भी रीट नहीं हुआ है, ना ही अभी तक कोई नोटिफिकेशन को लेकर अपडेट है। लेकिन दोस्तों 34,000 पदों पर नई रीट का आयोजन किया जाएगा। अपडेट के अनुसार दोस्तों आपकी बोर्ड की एग्जाम के बाद मई जून में पेपर हो सकता है, तो तैयारी अभी से करना, रीट वाले विद्यार्थी स्टार्ट कर दें दोस्तों। मई जून में पूरी संभावना बढ़ रही है कि रीट की पेपर का आयोजन हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसको लेकर बोर्ड ने भी तैयारी कर ली है। 10, 12 की बोर्ड की एग्जाम है जो आपकी मार्च और अप्रैल में होंगी, इसके बाद बोर्ड यहाँ पर दोस्तों आपकी रीट की पेपर का आयोजन करवा सकता है। इसको लेकर दोस्तों नई रीट और संसद शिक्षा बाकी भर्तियों को लेकर, लाइब्रेरी भर्ती, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री जी को भी अवगत कराया गया है। दोस्तों शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, मदन दिलावर की तरफ से आश्वासन दिया गया कि वो नई रीट के संबंध में सरकार से बात करेंगे और नई रीट का जो आयोजन है दोस्तों वो आपको 2024 के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि दिसंबर तक दोस्तों मुख्य परीक्षा हो सकती है इसी साल। और रीट की जो प्री एग्जाम है दोस्तों वो आपकी मई जून में होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों इसके फॉर्म आपसे लगभग फरवरी और मार्च के मध्य लिए जा सकते हैं। फॉर्म भरवाने के बाद दोस्तों रीट का आयोजन मई जून में हो जाएगा। अब जो नई भर्ती है दोस्तों 34,000 पदों पर आएगी, इसमें से आपके L1 यानी कि लेवल फर्स्ट, L2 के लगभग बराबर बराबर ही पद आप मान के चलिए इतने पद रहने वाले हैं। नोटिफिकेशन दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड मुख्य परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है उसमें सिलेबस में बड़े बदलाव करने जा रहा है। 5वां विकल्प भी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा, फेस रिकग्निशन होगा, इसके अलावा दोस्तों आधार वेरिफिकेशन, काफ़ी सारे बदलावों के साथ नई रीट का आयोजन किया जाएगा। सिलेबस में तो दोस्तों बदलाव होगा, ये तो क्लियर है, नए सिलेबस के साथ ही रीट मुख्य परीक्षा का आयोजन होगा। प्री में इतनी राजस्थान की जीके नहीं आती है, तो उसका सिलेबस लगभग वही रहने की संभावना है, इसमें थोड़ा एक दो टॉपिक चेंज होंगे, बाकी दोस्तों नई रीट का जो आयोजन है वो जल्द ही होने वाला है। आपकी क्या राय है दोस्तों रीट के संबंध में, कमेंट करके जरूर बताना। एक पेपर होना चाहिए या दो? जय हिंद, वंदे मातरम।